गुड मॉर्निंग ऑल। EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन यूनिट नंबर 9 अकॉर्डिंग टू सिलेबस। इस यूनिट का सब टॉपिक है ICU एंड CCU। ICU का पार्ट हमने कल अपने प्रीवियस लेक्चर तक कंप्लीट किया और आज हम CCU के बारे में पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लॉक डायग्राम एक फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये कोरोनरी केयर यूनिट या CCU के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। पहले हम ये देखेंगे कि CCU का फुल फॉर्म क्या है और ये किस काम आती है ये यूनिट। तो नाम से इसे कहा जाता है कोरोनरी केयर यूनिट। गहन देखरेख इकाई अथवा इंटेंसिव केयर यूनिट की ही सब यूनिट ये है। और ये जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन प्रॉब्लम्स में जो गहन चिकित्सा के अधीन मरीज होते हैं जिन्हें बहुत सीवियर प्रॉब्लम है रिलेटेड टू हार्ट, हृदय विकार, जो गंभीर वाले हृदय विकारों से ग्रस्त मरीज हैं, उनकी देखरेख के लिए, उनकी गहन देखरेख के लिए ये यूनिट बनाई गई है। 1960 में इसका गठन किया गया था और 1955 में ICU का गठन किया गया था। जैसे हार्ट अटैक, अनस्टेबल एंजिना या कार्डियक डायसरिप्थीमिया या और दूसरे कार्डियक डिजीजेज हैं, उन जिनमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ ये कोरोनरी केयर यूनिट की आवश्यकता होती है। इस यूनिट को टेलीमेट्री सिस्टम के अंतर्गत ECG मशीन द्वारा रोगी को कनेक्ट किया जाता है। ECG मशीन द्वारा मापन में मेडिकेशन, कार्डियोवर्जन अथवा डिफिब्रिलेशन के बारे में भविष्यक विकास काफ़ी संभावनाएं हैं उसकी। अनस्टेबल एंजिना अथवा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के जो रोगी होते हैं उन्हें सामान्य रूप से इस CCU में रखा जाता है। परिणाम स्वरूप हार्ट ब्लॉकेज इत्यादि के भी जो रोगी हैं या कार्डियोथेरेपिक सर्जरी जिनकी हुई है या और कोई भी हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं जिनको गहन चिकित्सा की आवश्यकता है, वो CCU में उन्हें गहन चिकित्सा के अधीन रखा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला है एक्यूट कोरोनरी केयर यूनिट, दूसरा है सब एक्यूट कोरोनरी केयर यूनिट, तीसरा है क्रिटिकल कोरोनरी केयर यूनिट, ये इसके बेसिकली कोरोनरी केयर यूनिट के दो सब पार्ट्स हैं। और एक्यूट कोरोनरी केयर यूनिट का ही दूसरा नाम है क्रिटिकल कोरोनरी केयर यूनिट। और जो सब एक्यूट कोरोनरी केयर यूनिट है उसके फर्दर दो पार्ट्स हैं, एक है प्रोग्रेसिव कोरोनरी केयर यूनिट और दूसरा है इंटरमीडिएट कोरोनरी केयर यूनिट। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं फ्लो चार्ट में, एक्यूट कोरोनरी केयर यूनिट से एब्रिविएट किया गया है ACU से, ये यूनिट अति गंभीर हृदय रोगियों, उदाहरणार्थ कार्डियोजेनिक शॉक, ऑपरेटिव ओपन हार्ट पेशेंट इत्यादि की देखरेख में प्रयुक्त की जाती है। जैसे कि किन्हीं पेशेंट की यदि ओपन हार्ट सर्जरी हुई है या कार्डियोजेनिक शॉक लगा है तो उनके लिए कोरोनरी केयर यूनिट का एक्यूट कोरोनरी केयर यूनिट सेक्शन बनाया गया है। इसे क्रिटिकल कोरोनरी केयर यूनिट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सब एक्यूट कोरोनरी केयर यूनिट। तो सब एक्यूट को फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है प्रोग्रेसिव कोरोनरी केयर यूनिट, दूसरा इंटरमीडिएट कोरोनरी केयर यूनिट। ये इसका बेसिकली काम था कि ये CCU
या ACCU जिसे कहते हैं, उसका भार कम कर दे थोड़ा। जैसे रोगी की कंडीशन में यदि सुधार होता है तो उसे ACCU से प्रोग्रेसिव कोरोनरी केयर यूनिट में शिफ्ट किया जाता है, और फिर जो नेक्स्ट सीरियस रोगी होगा उसे आप उसमें ACCU में एडमिट कर सकेंगे। इंटरमीडिएटर कोरोनरी केयर यूनिट या प्रोग्रेसिव कोरोनरी केयर यूनिट, दोनों ही यूनिट्स में से किसी में भी ट्रांसफ़र या शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये बेसिकली कोरोनरी केयर यूनिट के बारे में था लेक्चर, और इसी अब जैसे बेड साइड मॉनिटर, अलार्म रीसेट, ये कुछ पार्ट्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ जो कि ICU में जो बेसिकली पाए जाने वाले कंपोनेंट्स हैं, जैसे बेड साइड मॉनिटर हुआ, अलार्म और हार्ट रेट, ECG वेवफॉर्म, आर्टेरियल वेवफॉर्म, आर्टेरियल प्रेशर और वीनस प्रेशर, मल्टीप्लेक्सर, टर्मिनल ब्लॉक, ये सब फंक्शन बेड साइड मॉनिटर में पाए जाते हैं। और इन सारे के सारे फंक्शंस को देन मल्टीप्लेक्स किया जाता है और उन्हें ऑसिलोस्कोप पर या हार्ट रेट मीटर पर, अलार्म रीसेट पर या अदर एसेंशियल इक्विपमेंट्स पर अकॉर्डिंगली भेजा जाता है। फाइनली रीडिंग के लिए स्ट्रिप चार्ट रिकॉर्डर हुआ, हार्ट रेट मीटर हुआ, या दूसरे जो डिफिब्रिलेटर विद सिंक फैसिलिटी इत्यादि पर भेजा जाता है। तो ये आपका कोरोनरी केयर यूनिट के बारे में था, जो विशेषकर हृदय रोगियों के साथ डील करती है। थैंक यू सो मच।